हेलो माय लवलीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी रचिता एंड यू आर वाचिंग द एकदम गर्ल रचिता। सो गाइस, अगर नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर लो मुझे, और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो, क्योंकि वहां पे भी मैं इतू सारा कंटेंट आपके साथ शेयर करती रहती, तो आई एम श्योर आपको वो पसंद जरूर आएगा। सो गाइस, वेदर चेंज हो गया, और वेदर चेंज होने के साथ साथ हमें बहुत सारी चीजों को चेंज करना पड़ता है, जैसे कि हमारा हेयर केयर रूटीन। सो हेयर केयर रूटीन मेरा तो अगर आप पूछो ना, तो इतू सा होता है, छोटा सा होता है। मैं हेयर ऑयल लगाती हूँ और शैम्पू करती हूँ। तो हेयर ऑयल कब लगाती हूँ मैं? वीकली लगा लेती हूँ वंस, और शैम्पू भी ना मैं वंस करती हूँ, क्योंकि बट आइडली ना हमें वीक में दो बार तो कर लेना चाहिए, बट क्या है ना मेरे बाल लंबे हैं, तो इस चक्कर में मैं एक ही बार कर पाती हूँ। बट मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि एक से दो बार तो आप हेयर को वॉश जरूर करो किसी भी आयुर्वेदिक शैम्पू से, क्योंकि केमिकल बेस्ड चीजें लगाना ना हमारे बालों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। अब आप सोचोगे कि ये इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ क्यों शेयर कर रही हूँ, क्योंकि वेदर चेंज हुआ है तो मेरा फर्ज बैठता है कि मैंने क्या अपनी रूटीन में चेंज किया वो आपके साथ शेयर कर दूं। और वैसे भी मौसम कोई भी हो, आना जाना तो पड़ता ही पड़ता है, चाहे शादी पार्टी कुछ भी हो, आपकी शॉपिंग हो, गेट टुगेदर हो, हर जगह आपको प्रेजेंट तो लगानी ही पड़ती है। उसके लिए आपके बालों को भी ना रेडी रहना पड़ता है, एक्टिव रहना पड़ता है हर एक सिचुएशन के लिए। और सच बताऊं, अगर हमारे बाल लंबे होते हैं ना, तो हमें अच्छा लगता है कोई भी हेयर स्टाइल बनाना। ऐसे भी रख लो, बाल आपके अच्छे सुंदर लगते ही हैं। तो अभी तो मैं जा रही हूँ शॉपिंग पे, तो मैंने सोचा आपको अपने साथ लेके जाऊंगी कि मैं कहाँ शॉपिंग करने जा रही हूँ। चलो मैं आपको ना थोड़ा आइडिया दे देती हूँ कि मैं घर से रिलेटेड थोड़ी बहुत शॉपिंग कर रही हूँ, जैसे कि यू नो सम सॉर्ट ऑफ फर्नीचर हुआ, या फिर फर्नीचर से रिलेटेड हुआ, कुछ चीजें हैं घर की जो मुझे ना चेंज करनी है। सो बस वही सोचा कि वही सारी चीजें ले लेती हूँ, उनको देखने जा रही हूँ। बट आज कुछ खरीदने नहीं है मुझे, आज मुझे करनी है सिर्फ और सिर्फ विंडो शॉपिंग। सो मैं जाऊंगी एक मॉल जो कि अच्छा होगा, होम सेंटर जाने से ना आपको बहुत अच्छा आइडिया मिल जाता है कि हाँ ये चीज अच्छी लग रही है, वो अच्छी लग रही है, ये कॉम्बिनेशन वो कॉम्बिनेशन। मतलब अगर आपका दिमाग उतना नहीं भी चलता ना, तो भी वहां जाके चलने लगता है कि ये टेबल चेयर अच्छी लग रही है, ये सोफा अच्छा लग रहा है, हाँ ये वाला ट्रेंड में है, ये काउच सही रहेगा, ये वाला रिक्लाइनर लेना, तो मुझे ऐसी सारी चीजें लेनी है। सो मैंने सोचा चलो आज विंडो शॉपिंग करेंगे, और फिर किसी और दिन जाऊंगी शॉपिंग करने, तो वो व्लॉग भी आपके साथ शेयर जरूर करूंगी। एंड आई होप कि 2 से 4 दिनों में मुझे वहां भी शॉपिंग पे जाना पड़े, क्योंकि मुझे जो सामान है ना वो अर्जेंट बेसिस पे चाहिए। बट मैं ऐसे नहीं कि आग बंद करके एक ही जगह जाके ले लूं। आपको पता है ना कि हम कुछ भी सामान खरीदते कम से कम 10 जगह तो जाते हैं, तो एटलीस्ट मैं सोची एक जगह पहले जाती हूँ होम सेंटर, उसके बाद कहीं जाऊंगी एक्चुअल चीजें लेने। मैं सिर्फ आइडिया लेने जा रही हूँ कि हाँ मुझे क्या लेना है, उसके बाद मैं देखूंगी कि हाँ ये चीज मुझे लेनी है, वो चीज लेनी है। मतलब बहुत ज्यादा आई थिंक TMI इज नॉट रिक्वायर्ड, तो यहाँ पे इसको स्प्लिट करते हैं। सो मैं आपके साथ बातें कर रही थी बालों के बारे में, तो वही मैं आपको बता रही थी कि मैं क्या यूज कर रही हूँ। तो गाइज, मैं आजकल यूज कर रही हूँ एक ऐसा शैम्पू जो कम्प्लीटली आयुर्वेदिक है, और उससे ना हेयर फॉल भी कंट्रोल हो रहा है मेरा काफी हद तक। अब अगर मैं आपको बताऊं ना, आप अपनी किचन में भी देख लो, तो बहुत सारे इंग्रेडिएंट होते हैं हमारे पास जो हमें यूज करने होते हैं हेयर फॉल रोकने के लिए, बट बहुत बार ऐसा होता है कि हमें पता ही नहीं होता, या फिर हमें आलस आता है बनाने में। जैसे कि क्लोव, वो होती है हमारे किचन में, बट हम उसे यूज नहीं करते हैं अपने बालों के लिए। रोजमेरी आपकी वेनिटी में होगा ही होगा, क्योंकि रोजमेरी ऑयल तो आपको पता है कि जरूरी होता ही होता है। मिंट भी आपकी किचन में होगी, बट क्या आपने कभी सोचा है कि मिंट को यूज कर लो अपने बालों के लिए? नहीं। सो मैं बताती हूँ आपको गाइज। सो गाइज, आजकल मैं यूज कर रही हूँ इसको, ये है टैग का रोजमेरी एंटी हेयर फॉल शैम्पू विद मिंट एंड क्लोव ऑयल। इसके ना काफी अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स मुझे मिल रहे हैं, क्योंकि कम्प्लीटली आयुर्वेदिक है, नेचुरल प्रोडक्ट है, और इसके अंदर ना किसी भी टाइप का ना कोई पैराबिन नहीं है, सल्फेट्स नहीं है, कोई हार्मफुल केमिकल्स नहीं है, कोई मिनरल ऑयल नहीं है जो हमारे बालों को ना नुकसान पहुंचाता है। ऑल हेयर टाइप्स है ये, और बालों को ना काफी अच्छे से ना थिक बनाता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है, उनकी ग्रोथ को प्रमोट करता है। तो ऐसा हेयर ऑयल तो हमें चाहिए जो हेयर फॉल को कम करे और ग्रोथ को प्रमोट करे। दिस आयुर्वेदिक रोजमेरी शैम्पू और रिजुविनेटिंग ब्लेंड ऑफ रोजमेरी क्लोव एंड मिंट, ये हमारी हेयर रूट्स को ना बहुत अच्छे से ना क्लेंस करता है, स्ट्रेंथन करता है, हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है, और हमारे बालों को ना हेल्दी और स्ट्रांग बना देता है। अब मैंने आपको बताया कि इसके अंदर रोजमेरी तो है ही है, क्लोव एंड मिंट भी है। सो गाइस, रोजमेरी में होता है और सोलिक एसिड जो कि हमारी स्कैल्प को क्लेंस और प्योरीफाई करता है। क्लोव में होता है यूजिनोल जो हमारी हेयर रूट्स को स्ट्रेंथ करता है, और मिंट में होता है मेंथॉल जो कि स्टिमुलेट करता है ग्रोथ को और एक बहुत अच्छी ना रिफ्रेशिंग सेंसेशन देता है। और ये सब मिलके ना हमारे बालों की ग्रोथ को बहुत ज्यादा अच्छा कर देते हैं। आपको थोड़ी सी क्वांटिटी लेनी है आपके बालों के अकॉर्डिंग, बालों को थोड़ा सा वेट करना है, अच्छे से लेदर बनाना है, और फिर इसको रिंस कर देना है,
और हाँ गाइज मेक श्योर करना कि आप ना इसी शैम्पू को यूज करो, रेगुलर यूज करो। देखो किसी भी चीज के अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो उस चीज को आपको रेगुलर बेसिस पे यूज करना ही करना पड़ेगा। दो से तीन बार भी हेड वॉश करते हो ना, बहुत बहुत अच्छे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। जितना बाल आपके साफ रहेंगे ना उतने बाल आपके लंबे होंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। स्कैल्प जो है ना आपकी वो क्लीन होनी चाहिए ताकि उसमें कोई भी डस्ट ना हो, किसी भी टाइप का ना डैंड्रफ ना हो, तो आपके बाल कम टूटेंगे और बढ़ेंगे ज्यादा। एक बार ट्राई जरूर कर लेना। 250 ml की क्वांटिटी है इसकी और प्राइस 349 rupees। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मैंने लिंक दिया ना, वहां से ना आपको अच्छे खासे प्राइस मिल जाते हैं, तो वहीं से ना गाइस आप चेक कर लेना इसको। प्रो टिप मैं आपको देना चाहती हूँ कि गाइस जब भी आप शैम्पू कर रहे हो उससे पहले हेयर ऑयल जरूर जरूर लगाना, क्योंकि इससे क्या होता है ना बालों को काफी अच्छे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं और स्कैल्प भी मजबूत होता है। अगर आप कोई हेयर ऑयल ढूंढ रहे हो तो टैग का हेयर ऑयल भी आप यूज कर सकते हो। आपके साथ बात करते करते बहुत लेट हो गया है, निकलना है मुझे, शॉपिंग पे जाना है, एक्चुअली विंडो शॉपिंग पे जाना है बट काफी दूर जाना है। सो गाइज मैं आपसे मिलती हूँ बाद में, बट हाँ इसको चेक जरूर कर लेना। कैच यू गाइज लेटर। हम यहाँ देखने आए हैं कुछ फर्नीचर घर के लिए होम सेंटर से, लेट्स सी मिलता है या नहीं मिलता। आवाज़ भी नहीं जा रही होगी, बहुत शोर है। अभी जाना है होम सेंटर देखने के लिए कि क्या क्या है, क्या ले सकते हैं। और फिलहाल अभी शॉपिंग नहीं, विंडो शॉपिंग करनी है, बट देखना तो पड़ेगा कि क्या क्या लेना है। आई एम इन यू के यहाँ पे आके ना मैं पगला से जाती हूँ। जगह ना गाइस मुझे बड़ी पसंद है, सबको ही पसंद होती है। एक है किराया तो भरना पड़ेगा। I like this. कस्टमाइज भी तो करवा सकते हैं ना। Really beautiful. यहाँ पे आना तो ऐसा लगता है कि सब कुछ ले लो। ये चेयर भी देखो काफी अच्छी है, बट देखना है क्या आ सकता है क्या नहीं। ये अलग है क्या? हाँ ये अलग है। ओ ये हेडबोर्ड है बेड का। मेंटेनेंस बहुत है भाई इनके साथ, एक दिन भी नहीं शायद चले। और वाइट भाई साहब डिफिकल्ट टू मैनेज। ये सब लॉन्ड्री रूम में रहते हैं। हाँ अफोर्डेबल रख लेते हैं। हैवी हैवी चीजें ये भी सब रिक्लाइनर्स है ना, ये भी भी अच्छा दिख रहा है। इज
यू आर सो एक्सपेंसिव गर्ल. इट्स ऑल अबाउट मॉल का वैल्यू, नॉट आइटम्स. वर्ल्ड क्लास डेकोर. देखो ये होते हैं डेकोर पीस जो घर में बस लगा दिए जाते हैं, जिनका कोई काम नहीं होता, बस डेकोर लगा दो मिल जाओ और फिर उनकी साफ सफाइयां करते रहो. चिड़िया यार ये अच्छा है. सामान तो काफी देखा है एंड लेट्स सी क्या क्या लेना है. और कुछ बहुत सारी अच्छी अच्छी यूनिक चीजें भी हैं, मतलब लाइक डेकोर दे आर रियली एक्सपेंसिव यार. मैं बहुत टायर्ड हो गई बट फिर भी लग रहा है कि थोड़ा सा तो घूम ही लूँ. और अभी क्या खाना है क्या पीना है वो भी देखना है, बहुत प्यास लगी है मुझे. चेहरे से लग रहा होगा कि मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ. इयररिंग्स भी पहने थे बट निकाल दी क्योंकि बहुत हैवी हैवी फील होने लगा था. तो सोचा कि घर पहुंचने में भी बहुत बहुत टाइम लगेगा. तो इस ब्लॉग को मैं यही एंड कर देती हूँ. फिर मिलती हूँ आपसे बाद में किसी और नए वीडियो के साथ, नए ब्लॉग के साथ. तब तक के लिए टाटा बाय.